बोले पुलिंग कर रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बोले हाजा अब जब तक खान साहब मुझे एहतजाज की मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी नहीं देंगे मैं पीछे रहूँगा। और ये जो दो हजरात हैं जिनको अब और हमें तवक्को है, मुझे भी तवक्को है इनसे कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी जुर्रत और दलेरी से नवाजा है। नाम लेंगे आप दो, यही दोनों जो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, आप मतलब ये क्यों तसलसल जो है तोड़ रही है? लिहाजा आ गया कि आप मरवा साहब की कवरेज क्यों कर रहे हैं? मरवे साहब ये कहा जा रहा है, आप ये बताएं कि आप किसी पार्टी को नाम तो मांगते हैं क्या? पार्टी के अंदर पार्टी बनाएंगे? सर मरवे साहब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप पार्टी के अंदर पार्टी बनाएंगे या इस पार्टी के अंदर रहकर किसी पार्टी के नज्म के कायल भी हैं? ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी नज्म के कायल नहीं है पार्टी के अंदर से ही। भाई पार्टी के अंदर कोई बता देना मैंने क्या बेनज़ीर है। एक अभी अपने हल्फ कुरान का जो इल्जाम लगाया ये आपको कहां से खबर मिली है? पॉलिटिकल कमेटी में हुआ है ना, कोई कह दे कि झूठ है, आप उनसे पूछे ना कि भाई कोई हल्फ देते हैं इस तरह कमेटियों की मीटिंग में? मैं कोई मतलब आप सबको पूरी कौम को ये गलत बयानी करूंगा, ये तो मुझे बाद में पता चले। ये कह देना कि जी ये सऊदी सफीर की बात उसमें नहीं हुई है, वो सऊदी सफीर का पैगाम कौन लाया था खान के कान में डालना? ये देखें ये चीजों का मुझे पता नहीं था कि सियासत इतनी भी गंदी। सर शिबली फराज और उमर अयूब को आपसे मसला क्या है सर? हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया, सिर्फ इनको नहीं है, मेरे हाथ क्यों शक कर रहे हो? शायद औरों को भी हो। आगे घुस के तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा पीछे हो जाए, ये क्राउड को खोल दे, थोड़ा सा खोल दे, खोल दे, पीछे हो जाए, चले और आप ठीक है, आप भी आगे ना है, ठीक है, ठीक है, ना एक सवाल के जवाब सर, सवाल के जवाब। मसला ये है के खान की वजह से अपनी खिदमात की वजह से जिधर चला जाता हूँ हजारों का मजमा लग जाता है, आप देख रहे हैं क्या मसला है ना ये, ठीक है ना? और ये सब मिल के भी चले जाएं 10 आदमी जो हैं उनको हाथ मिलाने नहीं आते हैं तो ये फर्क है। असल चीज है, असल चीज है जेलेसी, हसद है। मरवा साहब, मरवा साहब अब मेरी गाने ना उसे ना वो भाई जान यार प्यार से यार मरमत साहब, सर आपके आपकी पार्टी के अंदर से ये था कि आप अच्छे सवाल जवाब दे रहे हैं यार। सर कोई ब्रिगेडियर इरफान भी है? हाँ मैं आपको एक बात बता ब्रिगेडियर इरफान जी सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कहीं से आज जो मुझे और कल जो मुझे जेल में खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ये मेरे ख्याल में शायद 22 लोगों का फैसला था और ये तभी होता है क्योंकि हाई कोर्ट सर एक साल मिला हूँ, जिस दिन मेरा मिलना ज़रूरी था आएगा और आज भी मिलना ज़रूरी था नहीं मिलाएगा, तो लिहाजा मिले बगैर ही मैंने अपना। मरवा साहब ये बता दें, सिर्फ आप ये बता दें कि इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत बशमूल सबक वजीर अजम इमरान खान की और अमरीका के ताल्लुक रजीम तब्दीली की वजह से खराब हुए थे, बदबसगी पैदा हुई थी। जब खबर आई थी कि जो सेशन जज रिहा हो गए थे डेरा इस्माइल खान में जो किडनैप हो गए थे उसमें आपका एक बहुत अहम किरदार रहा उनको बाजियाब करवाने में, तो इसमें कोई हकीकत है? ये खबर भी जरा ऐसे पता हुआ नहीं, ये एजाज सैयद साहब ने ब्रेक किया, एजाज सैयद साहब को मैंने सुना था जी, लेकिन एजाज सैयद साहब के पास मेरा नंबर भी है, वो अगर मुझसे वेरीफाई कर लेता तो अच्छा होता। जो सेशन जज साहब है उसकी रिहाई के हवाले से मेरा इतना सा किरदार है कि चूंकि वो मेरे कबीले से ताल्लुक रखता है और मैंने जो हमारे साउथ के MNA हैं जुबेर साहब उनको मैंने फ़ोन किया कि चूंकि वो एक उस एरिया से हैं जहाँ पे अमूमन महबियान को रखा जाता है, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जरा पता कर लें, तो उन्होंने फिर बताया कि शायद ये अभी साउथ वजीरिस्तान एजेंसी शिफ्ट नहीं हुआ है, ये इसके साथ बात करने के 15 मिनट के बाद
मैं अली अमीन खान साहब के साथ ही बैठा हुआ था कि उसने कहा जी वो जच्चा बरामद हो गया, तो इतना सा किरदार, इससे ज्यादा कोई। थैंक यू सो मच।